सर हम लोग पहली बात तो हमारा बेसिक जो है वो ब्रेड बेस्ड प्रीमिक्सेस बनाते हैं हम लोग, जिसमें इडली डोसा खिचड़ी उपमा शीरा ये सब बनता है। उसके अलावा हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग करने के लिए ऐसा किया कि हमारे महाराष्ट्र साइड में दिवाली में गिफ्टिंग का बहुत बड़ा तरीका है, तो उसमें हम लोगों ने मिलेट बेस्ड टेम्पर्स बनाए, जो कि इसके अंदर हम लोगों ने मिलेट बेस्ड चूड़ा मिलेट बेस्ड स्वीट्स ऐसा हम लोगों ने हैम्पर बनाया था, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि लोगों को अच्छा लगा, कुछ नया मिला और हेल्दी मिला। सर बात तो ऐसी है कि ये जितना भी चूड़ा है, अभी जैसे हम लोग बाहर जो चूड़ा खा रहे हैं तो पोहे का है, उसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी क्वालिटीज कुछ भी नहीं, जो कि आज मैं बाजरा अगर खाऊंगा तो बाजरे के अंदर आयरन अच्छा होता है, इसमें आपने बाजरे का चूड़ा है, मिठाई है, रागी का लड्डू है तो उससे कैल्शियम बढ़ता है, उसके बाद में ड्राई फ्रूट का लड्डू है तो इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो खाने में आते हैं, जो रेगुलर में हम लोग नहीं खा पाते। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे अग्रवाल साहब के मिलेट के प्रोडक्ट पहले मार्केट करना और आप मिलेट के प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रहे, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको गिफ्ट पैक बना रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है कि अभी ये मार्केट ही हुआ इस तरीके से, क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट मिलेट अभी लोगों को पता नहीं है, जो धीरे 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 अभी गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है हमको और हम भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो अभी पता चल रहा है कि लोगों को एटलीस्ट मिलेट पता है। पहले ये होता था कि हम लोग मिलेट बोलते थे तो बोलते थे भाई मिलेट क्या है, आज हम बोलते हैं कि हम मिलेट के बिजनेस में, तो बोलते भाई दो पैकेट भेज दें, तो ये डिफरेंस अभी 3 साल में हम लोगों ने देखा। ये भी ज़रूरी है कि जब से कोविड आया है जब से लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हुए हैं और इसका फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा है, तो शायद वो भी ऐड करता है उनको हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से। जी सर, हेल्थ क्वेश्चन में ये तो है ही, जो आपने बोला फाइबर हाई है, उसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, यानी कि जो ये होते हैं अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होता, जो कि रेगुलर हमारे खाने में वो एकदम से पचता है तो एकदम से उसका शुगर स्पाइक होता है, तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए खाना बहुत अच्छा होता है। तो ये जो आटा जो आप दिखा रहे थे, ये कई तरीके के आटा है, आटा है प्रीमिक्स है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ सर, हम लोग प्रीमिक्स बनाते हैं, जैसे ये इडली प्रीमिक्स है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल एडिटिव नहीं है, इसमें हम लोग क्या करना है, सिर्फ पानी मिलाना है आपको, 10 मिनट रखना है और बैटर रेडी है, फिर आप अपने सांचे में डालो इडली बना लो। और क्या क्या, और उसके अलावा मेरे पास में शीरा है, उसके अलावा उपमा है, उसके अलावा खिचड़ी है, उसके अलावा मेरे पास में अलग अलग चूड़े हैं, इसमें अभी किनुआ चूड़ा है, बाजरे का चूड़ा है, ये सब कुछ है। और ये प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, आपके वेबसाइट पे है या ऑन द शेल्फ डिपार्टमेंट स्टोर में? हमारे वेबसाइट पे भी है, अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह पे मिल जाएंगे आपको। डिपार्टमेंट स्टोर पे अभी नहीं है, डिपार्टमेंट स्टोर पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू।